आप लोग थोड़ा तेज बोलो भैया, बहुत धीरा बोल रहे हो। का भोजन करके नहीं बैठो का? तो कहीं आई पर्याप्त आए लड़ते। अच्छा, प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। भैया लोगन सिनी मैया लोगन क्यार जयकारा तेज हो चाहिए, जनत का है क्योंकि खान सबसे आगे रहती है। भैया लोगन सिनी मैया लोगन क्यार जयकारा तेज हो चाहिए, या सबसे दोनों है। खाए पियम आगे और काम करम पीछे। सबसे पहले खाती का पहले खाएं बहसी खुशी, फिर खाएं चखनी, और तीसरे पहर पिया संग जेवें, और फिर बैठी खाएं अकेली। तीन ख्यावा भोजन करती बताओ, बासी खुशी। अब तो खैर सिस्टम ही खत्म हो रहा भैया, ने पहले जमाने में यहाँ हमारी माताएं बहने पहले बासी खुशी खाती रहे। बासी बच्ची धर दिन और सुबह खा लिन, थोड़ी देर बाद पिंटुक पापा आए और तनु खैन राख दिन कहीं ऐसा है तुम खाना बहुत रियागा करते हो, और जो है यू नादम न डरे लो हम खा ले, उठा खा लिन। अब बिटिया खाना देखिन दोपहर लौटे बना रहे, कहीं बिटिया पापा तुम्हारे बहुत जो है गुस्सा हो जाते हैं, लाओ तनी सब्जी चीख ले, और सब्जी का अकेले खा ले, अगर रोटी तो साथ है लाओ, हम पहले चीख देख ली अब तब खाइन। और जब वही साथ है बड़कऊ खाए बैठे तो साथ है फिर लगा लगाए, तो तीन चार बार खाती है भोजन, तीन बार भैया। और भजन भजन कई बार एक बार हम डिस्टर्ब हो लागत थे। जो सत्संग के माध्यम से हम आप लोग समय निकाल रहे हैं, क्या ये समय हम आप लोग घर पर बैठ करके निकाल पाते? क्यों भैया लोग माताएं बहने, जो ये समय इतना कीमती निकला जा रहा है, ये क्या समय हम आप लोग घर पर बैठ करके निकाल सकते थे? कोई नहीं निकाल सकता था। यहाँ सत्संग के माध्यम से दो घंटे चार घंटे तीन घंटे ढाई घंटे का समय निकल रहा है। सबसे बड़ा दान कौन है? समय का दान। क्यों? इस कलयुग में किसी के पास टाइम ही नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। कथा तो एक महीने की होती थी, 21 दिन की होती थी, 7 दिन की होती थी, अब तो 5 और 3 दिन का सिस्टम हो गया। तो समय के अनुसार जरूर कार्य करना चाहिए। ये हमको आपको ये मानव शरीर मिला है, 84 लाख योनियों से गुजर करके भैया ये मानव शरीर मिलता है, इसका कोई करार नहीं है। हमारे आपके साथ में जिन हाथों से दान कर दिया, जो जिभ्या से भगवान का नाम ले लिया, बस यही साथ में जाएगा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए थोड़ी समय के अनुसार चर्चा। आइए देखते हैं भक्तों कि लंका का राजा रावण ये सूर्य वंशियों से जो है कब से लड़ता चला आ रहा है, और जब लड़ा तो इस रावण के ऊपर किसका श्राप लगा हुआ है कि तेरी मृत्यु जो है हमारे वंश में एक ऐसा बलि पुत्र पैदा होगा जो तेरा वध होगा। किसके द्वारा हुआ? कि अज के प्रथम तीस कुल पारा आज के प्रथम तीस कुल पारा और नप नारायण दशानन मारा
ये कर राजा सूर्यवंश में हुआ जिसका नाम अनरणय पड़ा। तो राजा अनरणय को लंका का राजा रावण एक दिन मारने लगा। इतना मारा कि राजा अनरणय का अंतिम श्वास चल रही है। राजा अनरणय ने देखा कि मेरी अंतिम श्वास है और ये लंका का राजा रावण मुझे जान से मार देता है, मेरे प्राण जा रहे हैं। ए रावण, मुझे जान से तो मार रहा है लेकिन एक बात जरा सुन ले। कहाँ अनरण सुनव भुजबीसा, कहाँ अनरण सुनव भुजबीसा, मम कुल सुमन दश सीसा। राजा अरण्य मरते वक्त अंतिम श्वास निकल रही है और रावण को श्राप दे दिया। ए रावण, अंतिम समय है, मारते मारते मेरे प्राणों का तुम अंत किए देते हो, श्वास निकल रही है, जाओ, मेरा श्राप है कि मेरे वंश में, सूर्य वंश में एक ऐसा बलि पुत्र पैदा होगा जो तेरा वध करेगा। अब तो भैया रावण ये वचन सुने तो रावण के ऊपर श्राप लग गया राजा अनरणय का। विचार करने लगा रावण, जब कोई सूर्य वंश में राजा होगा तो मैं इसी प्रकार से क्रम वाइज उस राजा को मारता रहूंगा और जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी। उसी दिन से जो इस सूर्य वंश में राजा होते चले आ रहे हैं उनको रावण मारता हुआ चला आ रहा है। ये हमारे परम सम्मानित श्री शाहजराम यादव जी की तरफ से दरौना से 21 मुद्रा भगवान के आसन प्रदान हो रहे हैं। परमात्मा सुख शांति बनाए रखे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, सदैव धर्म की ओर बढ़ते रहे। तो आज उसी दिन से रावण या सूर्य वंशियों से जो है लड़ता चला रहा है। कैसे कि पुनि दिलीप रघु से टकराया राम हरे, घबराया शिया राम हरे। रावण जो सूर्य वंश में राजा होता चला रहा, उसे लड़ता चला रहा है कि पुनि दिलीप रघु से टकराया, आवाज से भली भांति घबराया। रावण दिलीप से लड़ा कब? जब मैया सीता जी वेदवती के रूप में थी तब दिलीप से लड़ा, रघु महाराज से लड़ा, आज से लड़ा। भैया ये रघु से रावण कब लड़ा थोड़ी चर्चा करेंगे। ये रघु से लंका का राजा रावण कब लड़ा और क्यों लड़ा, कारण क्या था?
आज के पिता रहाई रघुराई। सुनाऊ मान जमन चितलाई और राखई प्रजा सदा खुशहाला वैसे धर्म धीर महिपाला। महाराज आज के पिता जिनका नाम है रघु, तो एक दिन की बात प्रजा को अपने पुत्र के समान समझने वाले महाराज राजा रघु, और राजा वही है जो अपनी प्रजा को संतुष्ट रखे खुशी रखे वही राजा है भैया। प्रजा में कोई राजा की बदनामी नहीं करता है, प्रजा को संतुष्ट रखने वाले महाराज राजा रघु। एक दिन की बात है, उनका यह नियम है कि जंगल में जाकर के विष्णु भगवान की आराधना करते थे, पूजा करते थे, भजन करते थे। जंगल में बैठे रघु महाराज पूजा कर रहे हैं ध्यान लगा करके, और कह रहे हैं क्या, अरे मंदिरिया मंदिरिया ओए मंदिरिया मा भगवान दर्शन देखाई दा मंदिरिया मा, भगवान दर्शन देखाई दा मंदिरिया मा। ज्ञान भूलाय दा बाबा सत ज्ञान बताय दा, सत ज्ञान बताय दे बाबा बिगड़ी बनाय दा। दर्शन औघड़ दर्शन देखाई दाम तिरिया मा, बाबा दर्शन देखाई दाम तिरिया मा। भोला दर्शन औघड़ दर्शन देखाई दा मंदिरिया मा, भोला दर्शन देखाई दा मंदिरिया मा। आज भैया इधर रघु महाराज जंगल में बैठे हुए भगवान के संकीर्तन में प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। वहां पर भगवान का ध्यान करते करते कुछ समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, लंका का राजा रावण जो है प्रतिदिन लंका से कैलाश पर्वत पर जाता है, और जा करके भूत भावन भोले शंकर महाराज को प्रसन्न करता है। लंका से कैलाश पर्वत की दूरी 5000 किलोमीटर है, प्रतिदिन का उसका नियम है, पुष्प अक्षत चढ़ाता है, प्रसन्न करता है। भैया एक जना चौकीदार तनिक भगाओ, जहां भोले बाबा रही है तो चौकीदार और भैर जरूर करी है। तो इधर
लंका का राजा रावण भोले बाबा की जो है पुष्प अक्षत चढ़ा करके और वापस लौट रहा था। अब भैया रावण का ईसा नहीं जात रहा है बाबा, काहे जा रहा है? काहे जा रहा है? हेलीकॉप्टर से नहीं। अच्छा, रावण के पास एक विमान था, उस विमान से रावण प्रतिदिन जो है लंका से कैलाश पर्वत और पर्वत से जो है लंका। रावण वापस लौट आ रहा था और रावण का विमान जानते कहां पर पहुंचा? जहां पर रघु महाराज पूजा कर रहे थे कि गए वह विमान तहां पर आई और पूजा करई जहां रघुराई। रावण का विमान पहुंचा जहां पर रघु महाराज पूजा कर रहे थे, हुआ क्या? और तहां पर एक घटना घटी गए और ताही देखी रावण रुकी गए। रघु महाराज बैठे हुए प्रभु के ध्यान में लीन है, उसी जगह पर एक घटना घट गई। रावण घटना को देख करके रुक गया। घटना भैया कैसी घटी? कि न पशमी पयक चरी रही गईया और तहां पर आई गयो एक सिंघा। उसी जगह पर एक सिंह आ गया, देखा महाराज रघु ने, वो तो भगवान के ध्यान में लीन है लेकिन घटना को देख रही है। रावण ने देखा तो आज गैया का पीछा वो शेर कर रहा है, गैया भाग रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, पीछे मुड़ करके देख रही है इस जंगल में कोई मेरी जान बचाने वाला है या नहीं है, आवाज दे रही है कोई मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे बचा लीजिए, मेरी जान जा रही है, ये सिंह जो है मेरे ऊपर वार करना चाहता है, कोई बचा लीजिए। अब भैया आवाज कहीं से नहीं आ रही है, लंका का राजा रावण इस रहस्य को देख रहा है कि विपिन भागी गई आथ की गए वो राम हरे। विचार करने लगी इस जंगल में मुझे लग रहा है मेरी कोई जान नहीं बचा पाएगा, मेरा आखिरी का समय आ गया, आखिरी का समय आ गया। और मनुष्य का यही धर्म है भैया कि दूसरे की जो है सेवा सत्कार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाय। दूसरी की सेवा करो, दूसरे की जान बचाओ। देखिए एक बेचारी
बहू थी, उस बहू की कोई औलाद नहीं है। तो एक दिन की बात है, बहू अकेले में बैठ करके बिलक बिलक करके रो रही है और कह रही है, क्या एक सुगना पेड़ के ऊपर बैठा है। आज वो बहू सोच रही है।